कोटा में आज पर्यटन विभाग और परिंदों का सफर संस्था की ओर से युवाओं को विरासतों से रूबरू करवाने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज वॉक में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और शहरवासी जुटे, जिनको इतिहास के जानकारों द्वारा पुरानी हवेलियों, इमारतों सहित अन्य विरासतों के साथ साथ कोटा की खान पान के मशहूर व्यंजनों के बारे में विस्तार से बताया गया। नयापुरा से शुरू हुई यह हेरिटेज वॉक अंत में कोटा गढ़ पैलेस पहुंची, जहां स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी। शहर के युवा इस आयोजन से खासे उत्साहित नजर आए। वहीं इतिहासविदों ने विरासतों की हो रही अनदेखी पर चिंता जाहिर करते हुए संरक्षित करने की मांग की। यूथ ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जैसा कि हमने बहुत पुरानी पुरानी हवेलियों और बिल्डिंग्स के बारे में जाना, हम लोग रामपुरा मोहन न्यूज एजेंसी से स्टार्ट हुए थे, तब से हमने महात्मा गांधी स्कूल के बारे में, पुराने जो वाचनालय पुस्तकालय के बारे में, महारानी स्कूल के बारे में, पाटन पोल होते हुए कई सारे मंदिरों के बारे में, और इधर हमने आते यहाँ पे गढ़ पैलेस पे स्टॉप किया है। बहुत अच्छा लगा कि कोटा की इतनी पुरानी धरोहर जो है, उसके लिए एक मैसेज सभी को है कि हम उसको सुरक्षित रखें, हम आगे बढ़े, लेकिन अपनी पुरानी विरासत को लेते हुए आगे चले। जो संस्था है परिंदों का सफर, उस संस्था के माध्यम से कि भाई ये पुराने कोटा को जाने, यहाँ के स्वादिष्ट जो व्यंजन है जिसमें दूध, जलेबी, कचौरी, समोसे, जो भी यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं उनको जाने, हस्तकर का जो चीज़ें हैं हस्तनिर्मित उनको पहचाने, तो इस पर्पज से हमने ये आयोजन रखा है। ऐसा है कि इस गढ़ को तो कोटा महाराज साहब दरबार कोटा इंद्र राय सिंह वो पूरे ध्यान देते हैं ऐतिहासिक इमारत, तो ये घर तो अभी बहुत साफ सुथरा आपको दिख रहा है, लेकिन बाहर जो है वो प्रशासन के अंडर में आता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। एक तो घर के बाहर ही जो है अतिक्रमण इतना हो गया है कि पर्यटक आए तो वो गंदी गंदी दुकानें वहाँ नजर आती हैं बाहर। हम अपनी जो पुरानी विरासत है उसको खोते भी जा रहे हैं और भूलते भी जा रहे हैं, इसलिए जन जागरण जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है, और इसीलिए इस तरह के हेरिटेज वॉक और ये सब आयोजित किए जाते हैं। और आज इनका बहुत अच्छा प्रयास है कि इस तरह का इन्होंने एक पुराने कोटा को देखने, दिखाने और समझाने का प्रयास किया है।